गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर त्रिभुज ट्रायंगल शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित आगे और भी चैप्टर्स हैं, इसलिए अगर सभी छात्र इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे और उसको समझ लेंगे तो आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ दो दो वृत्त बने हुए हैं और दो आयत बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं और दो त्रिभुज बने हुए हैं। इन दोनों को हम देख के पहचान सकते हैं कि ये वर्ग हैं, ये वृत्त हैं और ये समरूप त्रिभुज हैं। बस आपको अंतर क्या दिख रहा है कि एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है। तो हमको यहाँ पर साइज अलग दिख रही है। क्या अलग दिख रहा है? तो हम यहाँ देखते हैं कि समरूप आकृतियों में साइज भिन्न भिन्न होती है, आकार समान होता है। और सर्वाक्षम में क्या होता है? सर्वाक्षम, सर्वाक्षम आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें आकृतियां साइज तथा आकार दोनों में समान होती हैं। तो दोनों में अंतर समझ गए कि सर्वाक्षम में आकृतियां साइज और आकार दोनों में समान होती हैं और समरूप में साइज अलग अलग होती है लेकिन आकार शेप जो है एक सा होता है। क्लियर? तो इन दोनों में अंतर अच्छी तरह देख लेंगे। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल। अब हमको यह कंडीशन दी हुई है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो यहाँ पर हमको एक चतुर्भुज दी हुई है, आपको दो चतुर्भुज दिख रहे हैं, उनके हम कोण देखते हैं, कोण संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण भी देखते हैं, कोण डी, इसके संगत क्या है? कोण एस। दोनों को मान कितना दिया? 85। कोण सी और उसके संगत कितना है? कोण आर, कितना दिया हुआ है? 70। कोण ए, इसके संगत कोण पी, इसका मान 105 डिग्री। कोण बी बराबर कोण क्यू, इसका मान है 100। तो संगत कोण बराबर हैं। कैसे हैं? संगत कोण बराबर हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। तो हम देखते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया हुआ है? ए बी की लंबाई दी है 1.5 और पी क्यू की लंबाई दी है 3.0। इसको सॉल्व करके तो 1/2 आ जाएगा। हम दूसरा देखते हैं ए डी अपॉन पी एस। ए डी दिया हुआ है 2.1 अपॉन 4.2, इसकी वैल्यू भी 1.2 आती है। तीसरा देखते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी दिया हुआ है 2.5, क्यू आर दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 1/2। फिर हम देखते हैं डी सी अपॉन एस आर। डी सी दिया है 2.4, 4.8, ये भी 1/2 है। तो स्पष्ट दिख रहा है हमको कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एस, बी सी अपॉन क्यू आर और डी सी अपॉन एस आर। इसका मतलब होता है भुजाएं संगत, भुजाएं अनुपातिक हैं। तो हमको दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं, संगत कोण बराबर है, भुजाएं अनुपातिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि
यह चतुर्भुज जो है आपका, कौन सा चतुर्भुज? ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये चतुर्भुज समरूप होंगे। क्लियर? क्योंकि संगत समरूप क्यों है? संगत कोण बराबर है और संगत हो जाए अनुपातिक है। क्लियर? अब हम यहां देखते हैं कि हमको दो चतुर्भुज दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर कोण सभी के 90 अंश है, संगत कोण बराबर है। आप देखेंगे कि सभी कोण, कोण डी बराबर कोण एस बराबर 90, सारे कोण, कोण ए बराबर कोण पी बराबर 90, ये सभी बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं। अब भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आप इसको देखेंगे तो हम देखते हैं यहां पर कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 3.5, ठीक है। और दूसरा देखते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, BC है 3 और QR इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं AB अपॉन PQ नॉट इक्वल टू BC अपॉन QR, इसका मतलब क्या हो गया? संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं है। इसका मतलब यह चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? ए बी सी डी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है कौन से चतुर्भुज से? पी क्यू आर एस से, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजाएं अनुपातिक नहीं है। अब हमको यहां पर खाली स्थान दिए हुए हैं, इसमें सही भरना है। तो सभी व्रत, व्रत की साइज अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? समरूप, समरूप सभी वर्ग। अब वर्ग की साइज अलग अलग हो सकती है, इसलिए सर्वांगसन ना होके इसका सही आंसर क्या होगा? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यहां पर क्या आएगा? बराबर, और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, समानुपाती हों। यहां समानुपाती आ जाएगा। अब हमको यहां पर दो भिन्न भिन्न युग्मों के उदाहरण देना है, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे समरूप आकृतियां, तो आप दो त्रिभुज बनाएंगे समरूप त्रिभुज। जैसे मान लो ये भुजा है आपकी 3 सेंटीमीटर और ये 3 और ये 3, और दूसरी लेके चलते हैं जो 5 है, जो 5 है और जो 5 है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। और दूसरे के लिए हम एक वर्ग ले लेंगे, वर्ग कैसा? 90 डिग्री 90 90 90। और दूसरा एक हम ले लेंगे समांतर चतुर्भुज, यहां पर हम कोण जो है 90 नहीं होंगे, ठीक है, यहां अलग अलग कोण होंगे, तो यह जो समरूप नहीं है।
क्लियर। मुझे इसके आपको दो डायग्राम कोई भी बना सकते हैं। अब हमको इसमें बताना है कि समरूप है कि नहीं है, तो हम यहां देखते हैं कि पहले भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो हम यहां देख ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है 3, पी क्यू है 1.5 इक्वल टू, फिर इसके बाद देखते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी है आपका 3, क्यू आर है 1.5, कभी मान में 2 आ गया। तीसरा देखते हैं पी एस ए डी अपॉन पी एस, 3 अपॉन 1.5 2, और चौथा है डी सी अपॉन एस आर, 3 अपॉन 1.5 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब भुजाएं अनुपात एक है, संगत भुजाएं अनुपातिक है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कारण हम देखते हैं कि कोण डी 90 है, कोण डी कितना है 90, लेकिन कोण एस वो आपका 90 नहीं है। क्लियर। तो हम यहां देखते हैं कि ये कोण 90 है, ये भी 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है, लेकिन यहां पर जो मान दिए वो 90 नहीं है। एस का मान भी 90 नहीं है, क्यू का मान भी 90 नहीं है, इनके मान 90 नहीं है। क्लियर। तो इसीलिए ये संगत कोण बराबर नहीं है, समरूप त्रिभुज चतुर्भुज समरूप नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्लियर। ओके, थैंक यू।